नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त का बड़ा सरदार का हो गया है, शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली में, जहां बीजेपी की बड़ी बैठक जारी है, केंद्र चुनाव समिति की बैठक जारी है, लोकसभा के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है। पीएम मोदी, अमित शाह बैठक में शामिल हैं, एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उम्मीदवार कौन होंगे, और कहा जा रहा है कि 100 से 120 सीटें ऐसी हैं जिन पर उम्मीदवारों के नाम का जो ऐलान है वो जल्द ही किया जा सकता है। साथ ही इस पहली लिस्ट में बड़े चेहरे भी होंगे जिनमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम है, जेपी नड्डा का नाम है, अमित शाह का नाम है। इसके अलावा वो सीटें भी होंगी जिन पर पिछले चुनाव में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, वो सीटें भी बीजेपी के फोकस में हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस बैठक में मौजूद हैं। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। अशरफ, फिलहाल लेटेस्ट अपडेट क्या है बैठक को लेकर? अपर्णा, अभी भी देखिए यहाँ पे प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। औपचारिक रूप से केंद्रीय चुनाव समिति की भाजपा की बैठक शुरू हो सके, अभी तक प्रधानमंत्री नहीं है, उनके आवास पे एक बैठक चल रही है। गृह मंत्री भी अमित शाह उसी में है, जेपी नड्डा भी प्रधानमंत्री के आवास पे हैं। वो जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो औपचारिक रूप से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी और फिर लोकसभा उम्मीदवारों के चयन का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि करीब 125 उम्मीदवारों के नामों पर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मोहर लग सकती है। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, जबकि सबसे ज्यादा जो चर्चा की जा रही है वही ये कि प्रधानमंत्री की संसदीय क्षेत्र वाराणसी, उस सीट से उनका नाम तय कर दिया जाएगा। इसी तरह से गृह मंत्री का गांधीनगर की सीट से नाम तय किया जाएगा और राजनाथ सिंह का लखनऊ सीट से नाम हो सकता है जी। इसके अलावा जो बीजेपी जिन सीटों को 2000 चुनाव में हारी थी उन सीटों पर भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है सीईसी के बाद, जब ये मीटिंग खत्म होगी। और मीटिंग क्योंकि अभी तक शुरू नहीं हुई है तो ठीक है अशरफ, तो जैसे ही बैठक शुरू होती है हम आपसे अपडेट के लिए आपका रुख करेंगे। फिलहाल धन्यवाद इस पूरी जानकारी का। अशरफ काजमी जो बता रहे थे कि अभी सभी तक इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के आने का, उनके आने के बाद ही बैठक औपचारिक रूप से शुरू हो पाएगी और जो भी डेवलपमेंट होगी उसकी हर जानकारी आपको न्यूज 18 नेटवर्क पर देखने को मिलेगी। बात करते हैं ग्वालियर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की चाहत रखने वाले कांग्रेस के दावेदारों की, जिनके चेहरे सामने आने लगे हैं। आलम यह है कि अकेले ग्वालियर लोकसभा सीट पर ही कांग्रेस के आधा दर्जन से ज्यादा नेता टिकट के लिए कतार में खड़े हैं। कांग्रेस का दावा है कि यहां पार्टी मजबूत स्थिति में है, वहीं बीजेपी कह रही है विपक्ष मुकाबले में नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कांग्रेस में भी इस बार लोकसभा चुनाव के लिए जबरदस्त उत्साह है। यही वजह है कि ग्वालियर लोकसभा सीट से टिकट के लिए अब कांग्रेस के दावेदारों की कतार लंबी होने लगी है। आइए एक नजर डालते हैं दावेदारों पर। एक ग्वालियर, 6 दावेदार। राम सेवक बाबूजी, पूर्व सांसद। प्रवीण पाठक, पूर्व विधायक। सुनील शर्मा, कांग्रेस महासचिव। देवेंद्र शर्मा, जिला अध्यक्ष। मितेंद्र सिंह, यूथ कांग्रेस। कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं में लोकसभा चुनाव को लेकर जोरदार उत्साह है। उनके पार्टी में कई चेहरे हैं जो चुनाव जीतने की ताकत रखते हैं, इसी वजह से दावेदार बढ़ रहे हैं। साथ ही कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के बड़े नेताओं में गुटबाजी है, लिहाजा जीत कांग्रेस की होगी। ग्वालियर लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पास युवा प्रत्याशी भी हैं और अनुभवी प्रत्याशी हैं, जो जनता के हितों के लिए लगातार काम करते हैं और दावेदारों की संख्या कांग्रेस पार्टी में लगातार बढ़ती जा रही है। विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा वाइज देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी में प्रबल दावेदार श्री ज्योतिरादित्य राजे सिंधिया जी हैं और उनके धुर विरोधी श्री जयवान सिंह पवैया जी हैं और इन दोनों के कट्टर विरोधी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं।
कांग्रेस के दावे पर बीजेपी चुटकी ले रही है। पार्टी का कहना है अभी अभी हुए विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार से कांग्रेस उबर नहीं पाई है। बीजेपी की जमीनी स्तर की तैयारी जोरदार है, इसलिए कांग्रेस कहीं मुकाबले की स्थिति में नहीं है। देखिए, आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हमारे संगठन मंत्री मनमोहन अजय जामवाल जी ने ग्वालियर लोकसभा के पूरी जो कोर टीम होती है प्रमुख नेताओं की, उसकी बैठक ली है। कांग्रेस अभी अपनी पराजय से उबर नहीं पाई है विधानसभा की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तरह एडवांस ही अपने ग्रास रूट का काम शुरू कर दिया है। ग्वालियर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार है। यही वजह है कि प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों की नज़र इस सीट पर है और कांग्रेस के आधा दर्जन दावेदार इस बार ग्वालियर लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। हालांकि बीजेपी के दिग्गज चेहरों के आगे कांग्रेस के तमाम दावेदार कितनी चुनौती दे पाएंगे कहना मुश्किल है। सुशील कौशिक, न्यूज 18, ग्वालियर। तो जानते हैं आपकी ग्वालियर में कांग्रेस की मुश्किल क्या है। एक सीट पर कांग्रेस के दावेदार कई हैं। विधानसभा में कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर अच्छा रहा। कांग्रेस ने 15 सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी की बात कर रहे तो कांग्रेस ने जहां 15 सीटों पर कब्जा किया तो बीजेपी ने 34 में से 19 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस के दावेदारों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है और अगर बात की जाए तो इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है कि एक सीट पर कांग्रेस के कई दावेदार देखने को मिल रहे हैं। बढ़ते आगे सियासी गलियारों के बाद अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। बात छात्रों की करते हैं। कल से छत्तीसगढ़ में 10वीं की जबकि 2 मार्च से 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। अलग अलग जिलों में एग्जाम के लिए तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई हैं। नकल पर लगाम के लिए उड़न दस्ते की टीम को तैयार किया गया है तो वहीं 6 लाख से ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड की परीक्षा कल से शुरू हो जाएगी। परीक्षा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली हैं। एग्जाम सेंटर्स पर परीक्षा से संबंधित सामानों को पहुंचाने का काम भी पूरा कर लिया है। इस बार 10वीं की कल से शुरू हो रही है परीक्षा। 1 मार्च को हिंदी की परीक्षा होगी, 12वीं के एग्जाम 2 मार्च से। कुल 6 लाख स्टूडेंट्स ने कराया है रजिस्ट्रेशन। 3,45,000 छात्र 10वीं की परीक्षा देंगे। 12वीं की परीक्षा में 2,61,000 छात्र शामिल होंगे। गड़बड़ी को रोकने के लिए संवेदनशील परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है, साथ ही खास निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही है। कल से 12वीं की परीक्षा और परसों से 10वीं परीक्षा शुरू हो जाएंगी। इस समय में पूरी तैयारी बोर्ड के द्वारा कर ली गई है। परीक्षा केंद्रों में समस्त सामग्रियां पहुंच चुकी हैं। किसी प्रकार से कोई व्यवधान नहीं होगा। सभी जिलों में फ्लाइंग स्क्वाड तैयार कर लिए गए हैं ताकि नकल प्रकरण को रोका जा सके। संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की सूची भी जारी कर दी गई है और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को उसकी सूची भेज दी गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि संवेदनशील केंद्रों पर थोड़ा ज़्यादा निगरानी रखी जाए। अलग अलग जिलों में परीक्षा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। जांजगीर चांपा में कुल 71 सेंटर्स पर छात्र परीक्षा देंगे, वहीं यहां 17 संवेदनशील एग्जाम सेंटर्स हैं। जिला जांजगीर चांपा में 23-24 में हाई स्कूल हायर सेकेंडरी एग्जाम के लिए 71 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से 3 नवीन केंद्र हैं, जिसमें से एक ताल देवरी है, एक सरहर है। 3 केंद्र हैं जहां पे पूरी व्यवस्था हो गई है और टोटल मिला के 71 केंद्र हैं। कल 10वीं के छात्र पहले दिन हिंदी की परीक्षा देंगे जबकि 2 मार्च को 12वीं के छात्रों की भी परीक्षा की शुरुआत हिंदी से ही होगी। एग्जाम 9 बजे से शुरू होगा और दोपहर 12 बजे तक चलेगा, तो प्रशासन तैयार है। उम्मीद है कि छात्र भी पूरी तरह से तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो एग्जाम के लिए प्रशासन ने क्या क्या तैयारी की है उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। इस बार 2,475 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल की अगर बात की जाए तो पिछले साल थे 2,418 एग्जामिनेशन सेंटर। इस साल 57 नए एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 150 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। नारायणपुर में सबसे कम है,
15 है यहां पर गिनती परीक्षा केंद्रों की। 100 से ज्यादा संवेदनशील परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा जो संवेदनशील एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं कांकेर में। तो ये तैयारियां की गई हैं। और अब बात कर लेते हैं क्रिकेट लवर्स की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रिकेट खेलने वालों और क्रिकेट देखने वालों दोनों के लिए ही अच्छी खबर है। जिस तरह से आईपीएल में चौके और छक्कों की बरसात होती है, उस तरह एमपी और छत्तीसगढ़ में भी ये होने वाला है। दोनों ही राज्यों में आईपीएल की तर्ज पर क्रिकेट लीग का आयोजन करने की तैयारी है। आ रहा क्रिकेट का फीवर, अब एमपीसीजी में क्रिकेट लीग, प्रदेश में छाएगा क्रिकेट का खुमार, मैदान में लगेंगे चौके छक्के। क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, जल्द ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रिकेट लीग की शुरुआत हो सकती है। बताया जा रहा है कि आईपीएल की तर्ज पर एमपीएल यानी मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग या छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग हो सकता है। क्रिकेट लीग में सिर्फ प्रदेश के खिलाड़ियों को ही मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है। हो गई कि जल्द ही मध्य प्रदेश में भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो एमपीएल जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग जो है वो शुरू करने जा रहा है। और इससे कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ी हैं जिनको खेल में आगे बढ़ना है या जो कहें कि बड़ी टीमों में अगर उनको हिस्सा लेना है तो उसके माध्यम से उनकी प्रतिभाएं सामने आएंगी और आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट टीम सहित जो अन्य जो टूर्नामेंट है उनमें अपना हिस्सा ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 जून से क्रिकेट लीग कराए जाने की संभावना है। इसे लेकर जल्दी फ्रेंचाइजी भी तय होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि आईपीएल का शेड्यूल आने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्रिकेट लीग शुरू हो सकता है। फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए अच्छी खबर है। क्रिकेट देखने वालों के साथ ही क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को भी अच्छा मौका मिलने वाला है। जो खिलाड़ी लीग में अच्छा खेलेगा उसे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में यह आयोजन होने जा रहा है। लेकिन पहले आपको मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के बारे में जानकारी दे देते हैं। क्रिकेट लीग में कितनी टीम होंगी, कब से एमपीएल की शुरुआत होगी, तो आईपीएल की तर्ज पर हो सकता है ये मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग टूर्नामेंट में 5 से 6 टीमें शामिल हो सकती हैं। जल्द ही फ्रेंचाइजी भी तय होने की संभावना है। एक टीम में हो सकते हैं 20 से 25 खिलाड़ी। 25,000 से 1,00,000 रुपए तक का बेस प्राइस होगा। बोली के हिसाब से खिलाड़ी को पैसे मिलेंगे और मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के जरिए खुल सकते हैं नए रास्ते। अच्छे परफॉर्म करने पर खिलाड़ियों को और बेहतर मौके मिलेंगे। T20 फॉर्मेट में ही ये प्रीमियर लीग शुरू हो सकती है। टीम्स के नाम टाइगर, चीता, लॉयन, पैंथर के नाम पर टाइटल हो सकते हैं। आईपीएल खत्म होने के बाद लीग शुरू हो सकती है। एमपी में 10 डिवीजन में क्रिकेट बांटा गया है। ग्वालियर, इंदौर में हो सकते हैं एमपीएल के मैचेस। अब बात छत्तीसगढ़ की। यहां भी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आयोजन होना है। ऐसे में यहां तैयारियां जोरों पर हैं। क्रिकेट संघ प्रदेश में आयोजित करेगा सीसीपीएल प्रीमियर लीग में 6 टीमें होंगी शामिल। सिर्फ छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को ही इसमें मौका मिलेगा। हर टीम में 15 खिलाड़ी होंगे। प्रीमियर लीग के कुल 18 मैचेस होंगे। कैटेगरी ए से लेकर कैटेगरी डी तक होंगी। जून और जुलाई में होगा सीसीपीएल का आयोजन। खिलाड़ियों का चयन कैसे होगा? ऑक्शन के जरिए खिलाड़ियों का चयन होगा। आईपीएल के खत्म होने के 15 दिन बाद इसका आयोजन होगा। 14 जून से सीसीपीएल कराने की तैयारी है। विनर को 31,00,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा और जो उप विजेता रहेगा उसे मिलेगा 21,00,000 रुपए का पुरस्कार। बढ़ते आगे बात करते सेना के पराक्रम की। बीकानेर के